हाय दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेजोल्यूशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद द गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटी, जो रेजोल्यूशन है ये कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने ओपन कर लिया है फॉर्मेट को, इसको मैं बड़ा करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑन द लेटर हेड ऑफ द कंपनी। यहाँ पे आपको अपने कंपनी का नाम लिखना है, उसके नीचे CIN नंबर, ठीक है। उसके नीचे आप पढ़िए क्या लिखा है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, नेम ऑफ द कंपनी ऑन वीक डे, डेट मंथ ईयर एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी एट एड्रेस ऑफ द कंपनी एट 11 AM। यहाँ पे बेसिकली ये लिखा गया है कि ये जो रेजोल्यूशन है वो पास किया गया बोर्ड मीटिंग में, ये हमारी कंपनी है और इस दिन को मीटिंग हुई और इस एड्रेस पे मीटिंग हुई और इतने बजे मीटिंग हुई। तो ये आपको मंथ ईयर डेट और नेम ऑफ द कंपनी और एड्रेस ऑफ द कंपनी को मेंशन करना है। उसके नीचे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन विद द गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटीज़, ठीक है। यहाँ पे उसके नीचे पढ़ सकते हैं द चेयरमैन इन्फॉर्म्ड द बोर्ड दैट द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू ऑथोराइज मिस्टर, नेम ऑफ द ऑथोराइज पर्सन और डायरेक्टर, टू रिप्रेजेंट एंड टू डू ऑल द एक्ट टू रजिस्टर विद द गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज आफ्टर डिस्कशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन वॉज पास्ड अनानिमसली। यहाँ पे बेसिकली ये लिखा गया है कि आप इस पर्सन को ऑथोराइज कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टर भी हो सकता है, कि वो जितने भी कंपनी के टैक्स से रिलेटेड बातें हैं, टैक्स से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैनेज करेगा, उनको वो देखेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है। उसके आप नीचे देख सकते हैं लिखा गया है कि resolve that any of the director of the company be and hereby authorized to act on the behalf of the company for applying to register with the government authorities under VAT, service tax, shop act and professional tax and to do the following act, deed and the things on the behalf of the company specifically for the above mentioned registration purpose only। यहाँ पे वो बातें लिखी गई कि कोई भी director है हमारी company का, वो authorized है कि वो company के behalf पर आप रजिस्टर कर सकता है टैक्स अथॉरिटीज़ को, सर्विस टैक्स के लिए या प्रोफेशनल टैक्स के लिए, ठीक है। और यहाँ उसके नीचे आप पढ़ सकते हैं जो भी आपके रिलेवेंट की बातें हैं वो यहाँ पे नीचे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। टू साइन ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म, रिटर्न स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट एंड राइटिंग एज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बातें आपकी कंपनी की आप अपने हिसाब से इसमें एडिट भी कर सकते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आपकी कंपनी के हिसाब से वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको लिखना है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम डालना है और यहाँ पे नीचे डायरेक्टर्स का नाम देना है और डायरेक्टर का सिग्नेचर, DIN नंबर डालेंगे और डेट डाल देंगे, ठीक है। दोनों डायरेक्टर का डालेंगे, नेम और साइन सिग्नेचर और DIN नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों रेजोल्यूशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद द गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज़ को बनाते हैं, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूंगा पूरा फॉर्मेट, ठीक है। या तो आप अपना ईमेल एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं नीचे और मैं आपके ईमेल एड्रेस पे ये फॉर्मेट जो है, ये फाइल जो है, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो आप अपना ईमेल टाइप कीजिए, मैं आपके ईमेल पे सेंड कर दूंगा और आप मेरे को वहाँ से रिप्लाई कर देना कि आपको मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और सारे एग्रीमेंट के लिए मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें, बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं मैंने एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।